साइकिल के दुकान पर अपने पिता का पंचर बनाने में हाथ बटा रहा ये लड़का अब भारतीय न्यायपालिका में माई लॉर्ड बन गया है। पंक्चर की दुकान चलाने वाले शहजाद अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं है, और हो भी क्यों ना, बेटा अपने पहले ही प्रयास में जज का एग्जाम पास कर चुका है। बेटे अहद ने अपने पहले ही प्रयास में उत्तर प्रदेश की न्यायिक परीक्षा का इम्तिहान पास कर लिया है। अहद को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए पिता शहजाद ने जमकर मेहनत की। पंक्चर की दुकान चलाने के साथ वो उसी दुकान से छोटी मोटी चीजें और बेचा करते थे। अहद की मां ने भी गृहस्थी चलाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया। माँ बाप की ये मेहनत और तपस्या खराब नहीं गई, और बेटे ने परिवार का नाम रोशन करने के लिए जी तोड़ मेहनत की और उनके सपनों को साकार किया। मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान है और साथ में खाने पीने की एक शॉप है एडिबल चीज़ों की, और पढ़ाई से मेरे माता पिता का हमेशा के लिए रुझान था कि मेरे बच्चे पढ़ें, और मैं पढ़ता गया। प्राथमिक शिक्षा मैंने अपनी यहीं गांव से ही प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद मैं GIC में पढ़ा प्रयागराज में 12 तक, और BL भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। और तैयारी की जो बात है तो तैयारी कुछ यूँ रही कि मेरा एक फ्रेंड था LLB कर रहा था 5 ईयर लॉ वो, और उसी से मुझे जानकारी मिली कि BLLB करके हम जज बन सकते हैं। तो मैंने BLLB में एडमिशन लिया और पढ़ाई की, और लॉकडाउन के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की, और घर पे ही रह के मैंने अपनी पढ़ाई की। जो भी मुश्किलें आई उसमें मेरा परिवार, मेरे भाई लोग सब कुछ साथ, सब लोग साथ में खड़े थे मेरे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और तैयारी में सबका भरपूर सहयोग था। केवल अहद ही नहीं, उसके दोनों भाइयों ने भी परिवार का नाम खूब रोशन किया। अहद का एक भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो एक भाई प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। हालांकि अहद के जज बनने की खुशी माँ बाप के लिए बिल्कुल अलग है। संघर्ष किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, 90 से हम संघर्ष करते आ रहे हैं इन लोगों के। बेटे को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए परिवार ने बहुत संघर्ष किया। माता पिता के अलावा अहद के दोनों भाइयों ने भी उसका खूब साथ दिया और उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद की। छोटे छोटे थे तो हम पिक्चर देखे थे तो घर द्वार, तो उसमें जो है वो भाई और भाभी अपने ननद और देवर को पढ़ाए थे, तो उसी से हमको मतलब हिम्मत मिली कि हम भी करेंगे कुछ और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाया है, समद अहमद को इंजीनियर बनाया, तो उसने फिर इन सबको पढ़ाया है। और फिर छोटा बेटा फिर हमारा काम करने लगा, बैंक मैनेजर है इस वक्त, तो वो भी हिम्मत दिया इनको कि तुम पढ़ो, हम लोग पैसे लगाएंगे। इस तरह की कहानियाँ उन लोगों के सपनों की उड़ान में जान फूंक देती हैं जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए हालातों से जूझना पड़ रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।